देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, चुनाव में अमित शाह का एक और बड़ा जुमला पकड़ा गया है, एकदम रंगे हाथ पकड़ा गया। मोदी शाह चुनाव में जुमला फेंकने में माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बार ऐसा जुमला उन्होंने फेंका चाणक्य ने कि वो तीर खुद उन पर ही वार कर गया। पहले अमित शाह का नया जुमला जो है वो एक बार आप सुन लीजिए। हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। हरियाणा का एक भी अग्निवीर वापस आने पर नौकरी के बिना नहीं रहेगा, सरकारी नौकरी। मतलब अग्निवीरों को 4 साल बाद घर वापसी में एक सरकारी नौकरी मुफ्त में दी जाएगी। यही अमित शाह 2 साल पहले कह रहे थे कि भाजपा कार्यालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में अग्निवीरों की नियुक्ति मैं कराऊंगा। अग्निवीरों को बीजेपी दफ्तर में, बीजेपी हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मैं दिलाऊंगा। भाई साहब, 303 से 240 पर बीजेपी क्या आ गई, अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से सीधा सरकारी नौकरी दिलाने की बात मोदी शाह कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें सवाल भी उठेगा कि हरियाणा के अग्निवीरों में ऐसा क्या खास है, देश के अन्य राज्यों के अग्निवीरों को गारंटी क्यों नहीं दी जा रही है सरकारी नौकरी की। दरअसल दोस्तों, ये जुमला है, 100% जुमला। जैसे कि दोस्तों 15-15 लाख आपके खाते में आया है ना, ये जुमला भी वैसा ही है, वैसे ही आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, सरकार को इस मैटर पर थूक कर चाटना पड़ा। सरकार को अगर सत्ता में बने रहना है तो अग्निपथ पर यूटर्न लेना पड़ेगा, और इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। मोदी शाह को इस मैटर पे बैकफुट पर आना पड़ गया है, क्योंकि फोर्स यानी सेना ने एक आंतरिक सर्वे कराई। एक आंतरिक सर्वे में यह पता चला कि सरकार की अग्निपथ योजना जो है वो इस सर्वे के खिलाफ है, यानी देश की सेना को नुकसान पहुंचाने वाली है ये योजना। ऐसे में मोदी सरकार को बैकफुट पर तो आना ही पड़ेगा, यूटर्न लेना ही पड़ेगा। महज मोदी सरकार 3 महीने ही है जो सत्ता पर काबिज हुई है। अब इस 3 महीने में मोदी 3.0 में वक्फ संशोधन बिल, ब्रॉडकास्टिंग बिल और लेटरल एंट्री पर मोदी जी को बैकफुट पर आना पड़ गया। और अब एक और बड़े मुद्दे पर मोदी जी अपनी गलती का एहसास जो है उन्हें हो गया है। तभी तो वो कह रहे हैं ना कि 4 साल बाद अग्निवीरों को सरकारी नौकरी दिलाई जाएगी। लेकिन फिलहाल ये घोषणा हरियाणा में किया गया है, जबकि इस घोषणा के पीछे कितना बड़ा जुमला है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। पहले अमित शाह बीजेपी दफ्तर में, बीजेपी कार्यालय में बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे 303 से बीजेपी 240 पर आई और हरियाणा में चुनाव है तो उन्हें कहना पड़ रहा है कि नहीं, हम सरकारी नौकरी दिलाएंगे 4 साल बाद। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निपथ योजना को खत्म कर देंगे, सेना में पहले की तरह भर्ती प्रक्रिया को लागू करेंगे, जिसके लिए अब मोदी सरकार की भयंकर किरकिरी हो रही थी। अब अगर अमित शाह कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी 4 साल बाद आपको देंगे, लुफ्त उठाने की कोशिश आप कीजिए इस अग्निपथ योजना का या अग्निवीर बनने का, तो ये कहीं ना कहीं आम पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश है कि हमने अग्निपथ ला करके जितना बड़ा नुकसान आपका किया है, युवाओं को जिस तरह से नाराज किया है, अब उसे थोड़ा बहुत हम मेकअप करना चाहते हैं। मोदी सरकार अग्निपथ योजना पर यूटर्न लेने पर मजबूर हो गई है, तभी इस तरह के बयान अमित शाह को देने पड़ रहे। दोस्तों, राहुल गांधी में सबसे खास बात अब यह है कि वो मोदी की, बीजेपी सरकार की सबसे कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है, और राहुल गांधी के बनाए गए पिच पर मोदी सरकार को खेलना पड़ रहा है। पहले मोदी जी पिच सजाते थे, राहुल गांधी उसमें फंस जाते थे, आज उसका उल्टा हो रहा है। अग्निपथ योजना पर मोदी जी और एक बार फिर यूटर्न लेने जा रहे हैं। अभी 4 साल बाद 25% अग्निवीरों को सेना में रखा जाता है, लेकिन अब से उसे बढ़ा करके 50% कर दिया जाएगा।
इस पर हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, सरकार चर्चा कर रही है, क्योंकि सेना ने एक आंतरिक सर्वे किया जिसके जरिए पता चला कि ये जो योजना है, अग्निपथ योजना है, ये सेना के खिलाफ है, देश की सेफ्टी सिक्योरिटी के खिलाफ है। ऐसे में 25% नहीं, कम से कम हमें 50% अग्निवीरों की ज़रूरत है जो हमारे साथ, जो सेना के साथ आगे बढ़ेगा, बाकी 50% को निकाल दिया जाएगा। अब उन्हें सरकार कह रही है, मोदी जी शाह जी कह रहे हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। सोचिए दोस्तों, इससे बड़ा जुमला और क्या हो सकता है। लंबे समय से सेना में अग्निवीरों की स्थायी भर्ती को बढ़ाने की मांग की जा रही थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय, मोदी जी, पीएमओ कोई नहीं सुन रहा था। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, कई मरतबा उठाया, बीजेपी 303 से 240 पर आ गई। अब हरियाणा में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि अग्निवीरों के लिए सिर्फ 4 साल के लिए अब सेना में भर्ती करा रहे हैं। ऐसे में ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो है ही, साथ ही साथ युवा भयंकर नाराज है, जिसे देखते हुए रक्षा मंत्रालय को अब जो है इस पर कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप, या आप कह सकते हैं कि इसे बेहतरीन बनाने पर विचार करना पड़ गया है। और विचार विमर्श इस तरह से किया जा रहा है कि इसे 25% से 50% कर दिया जाए। पहले था 100 युवा अगर सेना में भर्ती होते हैं तो उसमें से 25 जो है वो फुल टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आगे सेना में काम करेंगे, बाकी 75 युवाओं को निकाल दिया जाएगा। अब सर्वे में ये पता चला कि ये सही या उचित काम नहीं होगा देश की सुरक्षा के लिए। कम से कम आपको 50 अग्निवीरों को साथ रखना होगा जो लॉन्ग टर्म काम करेगा इंडियन आर्मी के साथ, नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ, बाकी 50 को आप निकाल सकते हैं। लेकिन अमित शाह कह रहे थे ये जो निकाले जाएंगे ना अग्निवीर, उन्हें वो बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाएंगे। और 2 साल बाद अब जब सामने विधानसभा का चुनाव है हरियाणा में, तो उन्हें कहना पड़ रहा है कि हम उन्हें सरकारी नौकरी देंगे, मुफ्त में सरकारी नौकरी देंगे, वो बाहर आएंगे तो बेरोजगार नहीं घूमेंगे, उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब दोस्तों ये तो दिखाता है ना कि अग्निपथ योजना पर बीजेपी सरकार जो है, मोदी जी, शाह जी, चाणक्य, रक्षा मंत्रालय जो है, पूरी तरीके से घबराए हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अग्निपथ को वो निगल ले या उगल दे। उगल दे तो किरकिरी होगी, अगर निगल लिया तो सेना जो है वो पूरी तरीके से इस योजना का विरोध कर रहा है। ऐसे में मोदी जी को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। और अमित शाह ने ये जो जुमला फेंका है ना, ये दिखाता है कि अग्निपथ पर, अग्निपथ योजना पर, अग्निवीरों पर सरकार की कोई धारणा नहीं है कि इस योजना को लेकर के अब उन्हें करना क्या है। ना वो आगे बढ़ सकते हैं, ना पूरी तरीके से पीछे हट सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों सरकार जो है, मोदी जी जो है, हर एक क्षेत्र में बुरी तरीके से घिरते चले जा रहे हैं। और अमित शाह ने जो जुमला फेंका, वो जनता कितना एक्सेप्ट करेगी ये जनता पर है। लेकिन हमारा काम है सच्ची खबरें आप तक पहुंचाना, खबरों को टटोल कर, खबरों को पड़ताल कर आप तक पहुंचाने का काम देशनीति कर रहा है। इसलिए हमने इस खबर को आपको दिखाया, बाकी आप समझदारी से काम लीजिएगा। सामने चुनाव है, सोच समझ कर वोट कीजिएगा अगर आप हरियाणा से ये वीडियो देख रहे हैं तो। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, इस जुमले पर आपकी राय क्या है, रक्षा मंत्रालय जो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि अमित शाह से लेकर के राजनाथ सिंह से लेकर के, इस मुद्दे पर जिस तरह से बैकफुट पर आने की कोशिश सरकार कर रही है अग्निपथ योजना को लेकर के, इस पर आपकी राय, आपकी टीका टिप्पणी जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, विश्लेषण के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।